नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो दोस्तों मुद्दा यह है कि व्हाई सम पीपल हेट अंबेडकर। तो दोस्तों हिंदू समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उन्हें समझते हैं, और दोस्तों कुछ लोग वैसे भी हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं मानते। तो दोस्तों जो भीमराव अंबेडकर को लोग मानते हैं आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन 5% लोगों की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते। तो दोस्तों ये लोग डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से इसलिए नफरत नहीं करते क्योंकि अंबेडकर ने रिजर्वेशन की शुरुआत की, बल्कि इसलिए करते हैं कि उन्हें अंबेडकर समझ में ही नहीं आए। उन लोगों को पता ही नहीं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का भारत को बनाने में कितना बड़ा योगदान है। ये लोग अंबेडकर को सिर्फ और सिर्फ एक दलित नेता के तौर पर ही जानते हैं, बल्कि अंबेडकर उससे कहीं ज़्यादा है। उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लोगों के लिए हक के लिए लड़ा है। जैसे कि महिलाओं के लिए उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया था, और जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो सीधे सीधे उन्होंने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इनफैक्ट अंबेडकर इज मोर देन सोशल रिफॉर्मर। भारत के लोगों को अंबेडकर के बारे में सिर्फ इतना पता है, वो सिर्फ अंबेडकर को दलितों के नेता के तौर पर ही जानते हैं, बल्कि अंबेडकर एक ग्रेट अर्थशास्त्री भी रहे हैं। अंबेडकर का अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है, ये कुछ शायद कम लोगों को ही पता। इसमें इन लोगों की कुछ गलती नहीं है क्योंकि भारत की राजनीतिक पार्टियां अंबेडकर को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से देखती है ताकि वोट पाकर सत्ता में आए और शासन कर सके, फिर चाहे जनता का हाल कुछ भी हो। सत्ता में आने से पहले ये राजनीतिक पार्टियां कुछ अलग बातें करती हैं और सत्ता में आने के बाद उनका रवैया बदल जाता है। तो दोस्तों आप इन सब के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताओ। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर रखें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।